तैंतीस कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत पुरुषों का योगबल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल, समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे, समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं हम को, सब महात्माओं को परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो, परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, 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 जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, प्रगट हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना प्रार्थना करते हैं कि करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो, प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना प्रार्थना करते हैं कि करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी ऐसी शादवाद वाणी स्याद्वाद वर्तन शादवाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति देव, परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय जय श्री सच्चिदानंद, जय 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 सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
हमारी भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो सदियों से, हजारों सालों से ये विश्व का गूढ़ रहस्य समझने की हर व्यक्ति को एक तमन्ना होती है, एक इच्छा होती है, एक ख्वाहिश होती है और हर व्यक्ति इस संसार का एक सनातन सत्य खोजने का अपने लेवल पर अपनी सोच के मुताबिक प्रयास करता आ रहा है। पहले जमाने में सनातन सत्य की खोज के ऊपर आगे बढ़ना थोड़ा बहुत आसान था क्योंकि इतनी सारी भौतिकताएं नहीं थी और इतने सारे विकल्प भी नहीं थे, खाने के, पीने के, कपड़े लत्ते और बहुत सारी भौतिकता जो आज उपलब्ध है वो उस जमाने में नहीं थी। दूसरी बात, उस जमाने में कष्टदायक जीवन था, यानी बहुत परिश्रम वाला जीवन था, इसीलिए किसी के पास कोई ज्यादा समय भी नहीं बचता था या मैं कुछ और ज्यादा दुनिया को जानने की कोशिश करूं या भौतिक चीजों जानूं। तो जो भी उसको समय मिलता था वो परमात्मा की भक्ति करता था, भगवान की भक्ति करता था, कोई माता जी की भक्ति करता था और धीरे धीरे साधना में लगे रहते थे अपनी शक्ति के मुताबिक। मगर उस समय बहुत विकल्प कम होने के नाते वो अध्यात्म के मार्ग में थोड़ा बहुत कुछ आगे बढ़ सकते थे स्वयं, और इसीलिए उस जमाने के लोग भी ऐसे थे जिनकी ख्वाहिश बहुत कम थी और जीवन में उनको जरूरियात मिल जाती थी तो उसको संतोष हो जाता था, अपेक्षाएं भी बहुत कम थी, दो टंग खाना मिल गया, पहनने का कपड़ा मिल गया, कहीं जगह सोने की मिल गई, बहुत हो गया, इससे ज्यादा उनकी बहुत कुछ अपेक्षा थी ही नहीं। और इसीलिए उनको इस जमाने में अध्यात्म के मार्ग में थोड़ा भी आगे बढ़ना, इस दुनिया का सनातन सत्य समझने की कोशिश करना उस समय आसान था क्योंकि बहुत विकल्प नहीं थे, न व्यक्तिगत विकल्प थे और न ही बाह्य विकल्प थे। मगर आज इस कलयुग के अंदर पांच इंद्रियों के इतने सारे विषय हैं और इस विषय के अंदर इतने सारे विकल्प हैं और इस विकल्प से ऊपर उठ के हम कुछ सनातन सत्य समझने की कोशिश करें, कुछ कुदरती कानून समझने की कोशिश करें तो आज आम जनता के लिए ये बात बहुत दुष्कर है। मगर क्योंकि आप ये अध्यात्म विज्ञान के सत्संग से सतत जुड़े हुए हैं तो इसीलिए आप सबके लिए ये अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये दुनिया का सनातन सत्य या कुदरत का कानून समझना आपके लिए आसान हो गया। और आसान हो गया ताकि आपको ये अध्यात्म विज्ञान समझाने वाला प्रत्यक्ष व्यक्ति मिला और वही प्रत्यक्ष व्यक्ति के माध्यम से आपको ये विज्ञान को जानने की, समझने की इच्छा जागृत हुई। जैसे जैसे कहीं महात्मा या तो कहीं प्रश्नकर्ता आज ऐसे है, मैं तो मोस्ट ऑफ कहूंगा ज्यादातर 95-98% जो महात्मा आज जो प्रश्न कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको विज्ञान की दृष्टि मिली है, पहले तो वो प्रश्न था ही नहीं उनको। तो ये विज्ञान ने दो काम किया, ये अध्यात्म विज्ञान ने दो काम किया है। एक तो निमित्त और दूसरा उपादान। उपादान भी आपका जागृत किया और निमित्त भी प्राप्त हुआ, नहीं तो सामान्यतः बिना उपादान निमित्त प्राप्त नहीं होता है। मगर ये कलयुग के अंदर सभी का जो डेवलपमेंट है
वो इतना सारा आध्यात्म के बारे में नहीं होता है, भौतिक बारे में हो सकता है। तो यहां उपादान भी जागृत हुआ और निमित्त भी मिला आपको, ये दोनों साथ में मिला और इसीलिए आप सबको ये विज्ञान समझना आसान हो गया। जो प्रश्न या जो बातें कभी न सुनी थी, न सोची थी, न समझी थी और न ही पढ़ी थी, वही बातें हमको सुननी और समझने मिली। और बाद में उसमें जब गहराई में जाने की कोशिश किया तभी उससे अंदर से प्रश्न उठे और फिर प्रश्न का आपको ये उत्तर मिला। यानी ये कह सकते हैं हम कि आध्यात्म विज्ञानी बनाने में या तो आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि बनाने में, आध्यात्म दृष्टि को मोड़ देने के लिए आप सबको जो ये विज्ञान मिला उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। अगर ये नहीं मिला होता विज्ञान तो आज भी आप रिलेटिव सत्य को ही पुरुषार्थ मान के आपका जीवन व्यतीत करते और आप उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। मगर क्योंकि आपकी भी पुण्य थी और जो कुछ भी डेवलपमेंट था उसके माध्यम से आपने ये विज्ञान को समझने की जिस प्रकार से कोशिश किया और जिस प्रकार से विज्ञान जानने के बाद उपयोग करके अनुभव करने की कोशिश किया, उसके बाद आपके जीवन में जो कुछ भी प्रश्न उठे वो आपने यहाँ प्रश्न करने की जो कोशिश किया है वो काफी सराहनीय है। और ये प्रश्न आपके और इसका ये उत्तर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हजारों लाखों लोगों को इस विज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने में, इस विज्ञान को समझने में और इस विज्ञान की गहराइयों में जाने के लिए उनको बहुत सारा लाभ होगा। तो इसीलिए ये विज्ञान की कीमत अपने जीवन में कम मत करना, क्योंकि हमारे लिए विज्ञान ही सर्वस्व है और विज्ञान नहीं है तो हम खुद की ही वैल्यू नहीं समझ सकते हैं और प्रकृति की वैल्यू जीरो भी नहीं कर सकते हैं। और ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखना हमारे लिए अगर विज्ञान नहीं होता है तो संभव नहीं होता। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन के अंदर ये विज्ञान का उपयोग करते करते जो कुछ भी प्रश्न उठे हैं इनका हम समाधान प्राप्त करें और हमारे जीवन में और आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मुकेश सेन, नीता देसाई, यूएसए। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। थोड़े प्रश्न थे। एक जो आपने जो उपादान और निमित्त कहा, तो उपादान अंदर की डेवलपमेंट है उसको आप उपादान कहने चाहते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ जी। और निमित्त का मतलब होता है माध्यम, उपादान का मतलब होता है खुद का डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ जी। बिना डेवलपमेंट निमित्त कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि अगर उपादान नहीं है तो ज्ञानी भी कुछ नहीं कर सकता है, मगर ये विज्ञान में ऐसा हुआ कि आपका उपादान भी तैयार हुआ और निमित्त भी मिला, दोनों मिला। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले जमाने में गुरु क्या थे कि अगर आप डेवलप नहीं है तो वो शिक्षा नहीं देते थे और कहते कि आप दूसरे के पास जाओ क्योंकि ये आपके लेवल की बात नहीं है। यहां ऐसा हुआ कि विज्ञान
कि जो सोच थी जो समझ थी उसके माध्यम से आपका उपादान भी जागृत हुआ, यानी जो देखने की सोचने की समझने की जो आपकी सेंस नहीं थी वो भी खुली हुई, और उपयोग करते करते आपको जो प्रश्न हुआ उसका उत्तर भी आपको मिला, यानी उपादान भी जागृत हुआ और निमित्त भी मिला। दूसरा प्रश्न है कि आपने कहा था कि ये कीर्तन भक्ति करो या जो कुछ करो वो सब उदय कर्म में आता है, तो जब ये कीर्तन भक्ति के कितने महात्माओं से सुना है कि उसके कभी कोई भौतिक समस्या आई तो कीर्तन भक्ति करो तो उसमें वो जो उदय कर्म आता आने वाला है दूसरा उदय कर्म कीर्तन भक्ति के निमित्त से वो जो उदय कर्म की सेटलिंग हो जाती है निकाल हो जाता है करके, तो उसके पीछे पहला तो साइंस क्या है और उसके पीछे दूसरा है कि जो कीर्तन भक्ति की लेंथ करते हैं कि भाई 8 मिनट करो या 50 मिनट करो, तो उसमें जो कितने अमाउंट करते हैं कीर्तन भक्ति उसमें फर्क पड़ता है कि 5-10 मिनट करो तो चल जाता है। हमको भी हर एक महात्मा को जैसे कुछ ना कुछ भौतिक समस्या होती है ऐसी होती है, तो वो जो उदय कर्म में फर्क कैसे आता है, देव देवियों की कृपा से उदय कर्म में फर्क पड़ता है बाहर के उदय कर्म में कि कैसे ये चलता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कीर्तन भक्ति जो शब्द है वो रिलेटिव सत्य है जी, फर्स्ट। सेकंड थिंग, वो ज्यादातर महात्मा उनका उपयोग अपने सांसारिक या भौतिक जो प्रश्न होते हैं उनकी सहायता के लिए करते हैं। थर्ड, कोई व्यक्ति ऐसा भी कहता है कि मैं स्वस्वरूप की कीर्तन भक्ति करता हूं, मगर जब कीर्तन भक्ति के अंदर जब व्यक्ति के पिक्चर का या शब्दों का ही इंपॉर्टेंस है तो वो स्वरूप कीर्तन भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से वो स्वरूप कीर्तन भक्ति नहीं है मगर व्यक्ति की कीर्तन भक्ति है। अगर मेरे को स्वरूप की कीर्तन भक्ति करना है तो मैं शुद्धात्मा में रहता हूँ अजपा जाप करता हूँ अंदर ही तो भी वो स्वरूप की कीर्तन भक्ति है, मगर ये संगीत के साथ करना बोलना गाना ये सब रिलेटिव सत्य है। इससे मन को तो आनंद होता है, बोलने वाले को सुनने वाले को भी आनंद होता है, मगर इसके अंदर कोई आध्यात्मिक प्रगति या फायदा नहीं है कोई। दूसरी बात, आपने कहा कि भी कीर्तन भक्ति बोलने से 8 मिनट बोलो या 50 मिनट बोलो या उससे ज्यादा लंबी बोलो तो इससे अपने जीवन का कैसे फायदा होता है, क्या वो देवी देवता हमको हेल्प करता है, ये आपका जो प्रश्न था। तो देखो, सिंपल बात ये है कि कुछ भी बोलने से अगर हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो ये लॉ ऑफ नेचर की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर न मनुष्य न देवलोक कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, समर्थ हो सकते हैं स्वतंत्र नहीं है, और हमारे कर्मों के हिसाब के बिना न कुछ दे सकते हैं न कुछ ले सकते हैं, और यही कुदरत का कानून है। तो इसीलिए हम अगर कीर्तन भक्ति करते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कीर्तन भक्ति नहीं करते हैं फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और कीर्तन भक्ति नहीं करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ये तीनों अवस्था को स्पिरिचुअल साइंस में कुदरती रचना कहते हैं। ऑल द 3 अवस्थाज, कीर्तन भक्ति किया और रिजल्ट मिला, कीर्तन भक्ति नहीं किया और रिजल्ट मिला, और कीर्तन भक्ति किया और रिजल्ट नहीं मिला, ये तीनों अवस्था को आध्यात्म विज्ञान में कुदरती रचना कहते हैं। यानी उसमें कोई
स्पेशल एफर्ट है ही नहीं, जो परिणाम आने वाला है वो ही परिणाम आया है। निमित्त आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने कीर्तन भक्ति किया उनका काम हो गया, एक व्यक्ति ने कोई जगह भगवान के सामने या कोई माताजी के सामने शक्ति के सामने बाधा रखी और काम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और कोई व्यक्ति कहते हैं कि मेरे गुरु के आशीर्वाद से भी मेरा काम हो गया, यानी बहुत सारे तरीका है। तो कैसे भी करके काम हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि शायद उनके माध्यम से हुआ है, ये करेक्ट नहीं है। मेरे हिसाब के बिना ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति न कुछ दे सकती है और न ही कुछ ले सकती है, ये सनातन सत्य है। इसके अलावा जो कुछ बातें हैं वो सब श्रद्धा की बातें हैं, और श्रद्धा की बात को आगे बढ़ाना वो रिलेटिव सत्य में उसका इम्पोर्टेंट तो होता है और होता रहेगा, क्योंकि इस अवतार में इस कलयुग में 98% लोग श्रद्धा के माध्यम से जीते हैं। इनको सहारा चाहिए, या तो भगवान के नाम का सहारा चाहिए, गुरु के नाम का सहारा चाहिए, मंदिर के नाम का सहारा चाहिए, मंत्र के नाम का सहारा चाहिए, इनको रिचुअल चाहिए, इनको शास्त्र चाहिए, हर प्रकार की उनको क्रिया चाहिए कि जिसके माध्यम से उनको लगे कि मैंने कुछ किया तो मेरे को फल मिलेगा। हो सकता है फल मिले या न मिले, वो भविष्य की बात है, मगर उनकी श्रद्धा बनी हुई रहती है। और हो सकता है कभी कोई कार्य होता है तो वो उसको मानते कि इनके बदौलत ये करने के आधार से ये काम हुआ, तो ये मानते हैं लोग। ये श्रद्धा की बात है, ये रिलेटिव सत्य की बात है, मगर यहाँ कोई ये सनातन सत्य या कुदरत का कोई कानून नहीं है, तो ऐसा तो दुनिया में चलता ही रहेगा। तो आपने कहा था कि पहले की जब भी ये सब जो करते हैं चरण विधि या कीर्तन भक्ति, तो उससे पुण्य कमाते हैं, तो जो पुण्य कमाते हैं वो तो कैसे फिर बाद में काम करती है? वो कोई भी शुभ क्रिया, कोई भी शुभ क्रिया कर्ता भाव से करोगे तो पुण्य बनेगा, कोई भी एनी जी। अगर राम की, कृष्ण की, महावीर की कहो, या कोई साधु संत सन्यासी की कहो, या कोई शक्ति की करो, कोई भी की सद्भाव से अगर आप उसकी प्रार्थना करोगे, उसकी भावना करोगे, चैंटिंग करोगे या क्रिया करोगे कर्ता भाव से, तो अवश्य आपको पुण्य मिलेगा जी। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर हजारों धर्म है, और हजारों धर्म में लोग कहते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तो पुण्य बनना तो तय है, तो पाप पुण्य से तो दुनिया चलती रहती है, तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं, उसमें मना भी नहीं कर सकते। कोई कहता है मैं राम की भक्ति करता हूँ तो भी पुण्य होगा, कोई कहता है मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ तो भी पुण्य होगा, कोई कहता है मैं महावीर की भक्ति करता हूँ तो भी पुण्य होगा, कोई कहता है मैं दादा भगवान की भक्ति करता हूँ तो भी पुण्य होगा। तो पुण्य होना तो कॉमन बात है, क्योंकि कर्ता भाव से करते हैं ना जी। तो यहाँ साइंस नहीं है, यहाँ रिलेटिव सत्य है। पाप और पुण्य का जो मार्ग है वो ही तो रिलेटिव सत्य है, और उसी से तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है जी। यहाँ विज्ञान का मतलब, आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य को जानना है और रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को मिटाना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट जी। तो रिलेटिव सत्य गलत है ऐसा नहीं बोलने का है, रिलेटिव सत्य को हमको मिटाना है क्योंकि सनातन सत्य का अनुभव कर रहा है जी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। हाँ जी, बाकी रिलेटिव सत्य जो है वो तो करेक्ट है ही, जिसे पाप पुण्य बनते हैं वो करेक्ट बात है। एनी रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन, में कोई भी क्रिया आप शुभ भाव से करोगे, कर्ता भाव से करोगे, तो पुण्य अवश्य बनेगा। हनुमान की भक्ति करेंगे भक्ति भाव से तो भी पुण्य बनेगा, कोई माताजी की भक्ति करेंगे तो भी पुण्य बनेगा, इवन दो कर्ता भाव से किसी की सेवा करोगे तो भी पुण्य बनेगा। कहने का मतलब ये है, किसी को सुख देने की भावना है, किसी की भक्ति करने की भावना है, तो फिर आपको क्रेडिट भी मिलेगी, और किसी को दुख देने की भावना है एनी एंगल एनी मेथड, तो आपको पाप मिलेगा। तो ये पाप पुण्य का जो नियम है
वो संसार को चलाने के लिए है और इस संसार में मेरे को ज्यादातर सुविधा चाहिए तो मेरे को ज्यादा पुण्य की जरूरत है। ये रिलेटिव के हर धर्मों में बताया गया है। जी। तो ये बात करेक्ट है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, ये सब बातें करेक्ट है जी। हमको हमको सनातन सत्य समझना है, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट जी जी। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी गलत है ऐसा तो है ही नहीं। हाँ जी। फिर दूसरा प्रश्न कोई है? नहीं, दूसरा कुछ नहीं। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कौन है? आरकेपी। त्यांथी अनम्यूट कर जो आरकेपी। हां, थैंक यू थैंक यू। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। સ્વામી જી, તમારી વાતો ખરેખર બહુ જ અદ્ભુત છે, આમ આપ્રિન થવાનું મન થાય છે। બહુ જ આમ સૂક્ષ્મ લેવલના જે ખુલાસા કરો છો તમે, અને એને કારણે શું થાય છે કે બધું અંદરથી બહુ જ બધું ખુલતું જાય છે, અને બહુ જ આમ થાય કે આમ કે અમને એમ થાય છે કે ખરેખર અમને બહુ જ સરસ મળી ગયું છે તમારું દ્વારા, અમને અમારું બધું જ્ઞાન બહુ ડેવલપ થઈ ગયું છે। પ્રશ્ન એ હતો સ્વામીજી કે આપણે બિલીફ અને માન્યતા માન્યતા એવું કઈક, એવું મેં એવું કદાચ તમે એક વખત કઈ કીધેલું, આમ જળની એટલે જળની જળમાં માન્યતા હોય અને જ્ઞાન માં એ હોય, બિલીફ હોય એમ। देखो दोनों बात एक ही है, बिलीफ और मान्यता। बिलीफ वो इंग्लिश शब्द है, मान्यता वो गुजराती शब्द है। और बिलीफ का मतलब होता है कि दो प्रकार की बिलीफ है, एक अज्ञान मान्यता है और एक ज्ञान मान्यता है। तो इसीलिए एक रॉन्ग बिलीफ को कहा, एक राइट बिलीफ को कहा, एक व्यवहार दृष्टि को कहा, एक निश्चय दृष्टि को कहा। तो ये दोनों बिलीफ है, और बिलीफ जो है वो बिलीफ के आधार से आपका पुरुषार्थ है, बिलीफ के आधार से आपका अनुभव है। और बिलीफ को ही खत्म करना, उसका नाम है आध्यात्म मार्ग। क्योंकि आखिर मैं ही हूं, और कुछ तो दुनिया में है ही नहीं, मगर और कुछ भी है ऐसा मैं मानता हूं। और कुछ भी है का मतलब है और कुछ भी मेरा है या मैं हूं आत्मा के अलावा, वही सभी प्रकार की बिलीफ को नष्ट करना है, वही अज्ञान बिलीफ है। समझ में आया? प्रतिष्ठित आत्मा छे एम के छे के ये बिलीफ छे, एनु अस्तित्व नथी। ના, એટલે પછી એમાં હું એક સત્સંગમાં સાંભળું હતું, એટલે એ કેવી રીતે હોય છે આમ કે અજ્ઞાન, એટલે સૂર્યનારાયણ ઉગે છે તો પછી એમ કે પ્રકાશ આવે તો અંધારું જતું રહે, એટલે આ જે પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું જે અજ્ઞાન રૂપ છે એ અજ્ઞાન કલશ થઈ જાય તો આપણું પેલા એમાં મતલબ કે આપણે એમાં અભેદ થઈ શકીએ પુરાત્મા, એવું જ કહેવા માંગો છો ને? હા હા, કહેને કા મતલબ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હિ બિલીફ સે બના હુઆ હૈ, અજ્ઞાન માન્યતાઓ સે હિ બના હુઆ હૈ। और सभी प्रकार की अज्ञान की मान्यता को खत्म करना, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो अगर ये पुरुषार्थ किया तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ही तो कर्टेन है। आत्मा और हमारे बीच कर्टेन किसका है? प्रतिष्ठित आत्मा का। अगर वो नहीं है तो कर्टेन है ही नहीं। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। हाँ हाँ। तो इसीलिए
तो इसीलिए ये बिलीफ जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा में होती है, और अभी जो बिलीफ निकल रही है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। बाह्य जीवन चलता है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, और नया पुरुषार्थ करते हैं वो लाइव बिलीफ है। और दूसरा ये है कि जिस तरह ये आत्मतत्व है, मतलब आत्म तत्व है, तो उसमें जो द्रव्य गुण पर्याय ऐसा होता है बराबर, और गुण जो गुण हो से गुण के आधार से अवस्था खड़ी होती है, इसी तरह जड़ तत्व में भी द्रव्य गुण पर्याय ऐसा है जड़ तत्व सभी में होता है सभी। तो इसमें जरा थोड़ा किस तरह, मतलब ये अवस्था का जो होता है अस्तित्व खड़ा होता है, इस यही जानना है इस तरह ये पुद्गल में और इसमें हुआ है। जड़ तत्व में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, आकार है, ये सब जड़ तत्व में होता है। उनका वजन होता है, स्पेस होता है, उनको स्पेस चाहिए, ये सब जड़ तत्व का स्वभाव होता है, स्वभाव हो गया। जिसका जन्म मरण है, जिसका बिगिनिंग एंड एंड है, ये सब जड़ तत्व का स्वभाव हो गया। मूर्त का मूर्त, उसका जड़ तत्व का मूर्त जो है वो अविनाशी है, जड़ तत्व का द्रव्य बराबर। जड़ तत्व का मूल अविनाशी नहीं है, जड़ तत्व अविनाशी तो चेतन है, मगर जड़ तत्व तत्व के रूप में अविनाशी है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है। अवस्था के रूप में टेम्पररी है, हाँ ऑफ कोर्स, तत्व के रूप में परमानेंट है। अच्छा, ये तो अवस्था, ये जो मैंने कहा रूप रस गंध स्पर्श आकार जन्म मरण बिगिनिंग एंड, ये सब अवस्थाओं को लागू होता है, जड़ तत्व की अवस्थाओं को लागू होता है। अच्छा, मतलब कि इस गुण के आधार से अवस्था खड़ी होती है ना उनकी भी, इसके आधार से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, नहीं तो कैसे अनुभूति करोगे? कोई जड़ तत्व है उनमें कोई टेस्ट नहीं है तो कौन खाएगा, आकार नहीं है तो कैसे मालूम होगा, कलर नहीं है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जन्म मरण नहीं है तो उनको लाइफ कैसे कहोगे। तो ये सब अवस्था को लागू होता है, जड़ की अवस्था को ये सब कुछ लागू होता है। अच्छा स्वामी जी, दूसरा ये कि ये संकल्प और विकल्प है, इसमें मतलब विकल्प ही मिस्टेक ही है ना, विकल्प जो अभी संकल्प में तो हमने दादान बना दिया कि भी आप शुद्धात्मा है, लेकिन ये जो विकल्प है यही मिस्टेक है ना, इस संकल्प और विकल्प में थोड़ा जरा फाइनल उसका डेफिनेशन और मतलब उसके समझ चाहिए थोड़ी। संकल्प और विकल्प, संकल्प का मतलब मैं, और विकल्प का मतलब है मेरे अलावा जो कुछ भी है वो, मगर यहां संकल्प विकल्प गलत हो गया है। अज्ञान दृष्टि में संकल्प का मतलब होता है मैं नामधारी, और विकल्प का मतलब होता है नामधारी से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, वो विकल्प हो गया। मगर ये अज्ञान की बात है, और विज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं वो संकल्प है, बाकी सब विकल्प है, और विकल्प का दूसरा नाम है अज्ञान। तो मतलब विकल्प दुनिया में विकल्प है, मगर वो विकल्प मेरे साथ कनेक्टेड है बिलीफ के माध्यम से, तो वो अज्ञान है। और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, मगर मेरे को विकल्प नहीं है तो मेरे में अज्ञान नहीं है। विकल्प मतलब हमें अभी विकल्प ही सब जो खड़े हुए उस विकल्प को ही खत्म करना है, मिस्टेक जो बोलते हैं जो मतलब कि ब्लंडर्स तो तोड़ दिया है लेकिन मिस्टेक को खत्म करना है। हाँ, मगर वही तो कहा ने, जितना जितना मिस्टेक है वो ब्लंडर के साथ ही जुड़ी हुई है, मगर जहां तक ब्लंडर जो है वो समझ में नहीं आता है वहां तक तो मिस्टेक रहेगी,
तो ब्लंडर ये हो गई कि मैं शरीर हूं, ये ब्लंडर हो गई। अभी मैं शरीर हूं तो फिर शरीर का सभी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम हो गया, ये मिस्टेक हो गई। अगर ये ब्लंडर निकल गई और मैं शुद्धात्मा हो गया तो फिर मिस्टेक का मतलब हुआ अभी सिर्फ संभावे निकाल, अभी कुछ करना नहीं है, निकालना नहीं है आपको, वो तो कुदरत ही निकालेंगे संजोग के अधीन। आपको सिर्फ समभाव में रहना है और समभाव में रहने का आसान तरीका मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखते जाओ, अपने आप संभाव रहेगा। बराबर है। और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बराबर, मतलब कि हमें जो हमारे जो अग्ना कसा है उसको दूर नहीं करना है, मतलब ऐसा है ना? कसाय तो प्रकृति को है, वो उदय कर्म के अधीन है, मगर जब मैं पहले प्रकृति था तब उसको सुधारने की जरूरत थी। अभी मैं शुद्धात्मा हो गया तो फिर प्रकृति को सुधारने की क्या जरूरत है, जब आप है ही नहीं तो फिर आप समझे कि नहीं समझे? समझ गई। जब आपने मकान को बेच दिया, फिर मकान का डोर टूट गया, ग्लास टूट गया, नल टूट गया, पंखा टूट गया, लाइट टूट गया, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। बराबर, बराबर। जब मेरा है ही नहीं तो मुझे इससे क्या लेना देना? हाँ, जब तुम्हारा ही नहीं है तो फिर तुम्हारा सब्जेक्ट कैसे रहेगा ना? बराबर, सही बात। मगर जब पहले तुम्हारा था तब तो वो सब्जेक्ट था। तो इसीलिए जैसे जैसे आपको ये विज्ञान समझ में आएगा, अपने आप आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, अज्ञान मान्यता, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और ये विज्ञान का उपयोग, विज्ञान का उपयोग ही उसी लिए करना है, अपने अज्ञान को मिटाने के लिए, अपने मन वचन काया को सुधारने के लिए विज्ञान नहीं है, अज्ञान को मिटाने के लिए। हर वक्त दृष्टि में यही रहना चाहिए, कुदरती रचना और सनातन सत्य वाली दृष्टि होनी चाहिए। बराबर। हाँ। सनातन सत्य वाली दृष्टि, हर संजोग में हाजिर हो। आप आशीर्वाद दीजिए किसी तरह हर आपके जैसा ज्ञान दर्शन हमें भी प्राप्त हुए और हमें भी इस तरह इस अज्ञानता से मुक्त हो सके। स्वामी जी जय सच्चिदानंद, खूब खूब प्रगति करो। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मारो हूँ आ पहली वार आव्यो छु अने શું નામ છે તમારું? ભાર્ગવ ભટ્ટ। ભાર્ગવ, અને ક્યાંથી બોલો છો? હું બરોડા થી બોલું છું। અચ્છા, કેવી રીતે પરિચય થયો? મારા એક મિત્ર છે ભરૂચ માં, મહેશ કરીને, ઓકે, અને એમણે એમની સાથે ઘણી ચર્ચાઓ થતી હતી, તો પછી એમણે તમારો આ રેફરન્સ આપ્યો અને મીટિંગ આઈડી નું બધું ફોરવર્ડ કર્યું, એટલે પછી આજે મને કીધું કે આજે સાંજે જોડાજો, એટલે આજે હું જોડાયેલો છું। થોડા સત્સંગ તમે સાંભળ્યા? ના, આજે આજે જ સાંભળ્યું છે, આથી જ સાંભળ્યું છે, પણ મેં જ્ઞાન વિધિ એકવાર અટેન્ડ કરેલી છે। અચ્છા, બરોડામાં જ્યારે હતી ને ત્યારે મેં કરેલી છે। પણ તમે આ અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન સત્સંગ સાંભળ્યા નથી હજુ? એટલે તમારા સત્સંગ નથી સાંભળ્યા, આજે જ આવ્યો છું। બરાબર, 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 બોલો। આપકા જો પ્રશ્ન હું બતાઈએ। મેરા પ્રશ્ન યે હે કે બહોત લોગ એસી બાતે કરતે હૈ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, ઠીક હૈ, ચાર અલગ અલગ શબ્દ હૈ, તો ઉસમે મન બુદ્ધિ ઓર ચિત્ત વો ક્યા હૈ ઓર ઉસમે ક્યા ક્યા તફાવત હૈ ઉસમે તીનો મે? ये चार चीज है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार चीज है, और चार चार अलग अलग नहीं है, एक ही है वस्तु है, रोल अलग अलग है। क्या है? रोल, रोल अलग। जैसे जैसे आप माता पिता के पास है तो बच्चे का रोल करते हैं, भाई के पास हो तो भाई का रोल करते हैं, पत्नी के साथ है तो पति का रोल करते हैं, और आपके बच्चे के साथ हो तो आप पिता का रोल करते हैं, मगर आप तो एक ही हो ना। बिल्कुल। पिता का रोल करे, पति का रोल करे, बच्चे का रोल करे या भाई का रोल करे,
मगर यू आर द वन बट द रोल इज डिफरेंट. बिल्कुल. ऐसे ऐसे ये जो चारों अलग अलग प्रकार का जो फेसेस बताया गया है वो मन के फेसेस है. तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन का काम है केवल विचार करना, ठीक है. बुद्धि का काम है प्रॉफिट एंड लॉस देखना. चित्त का काम है ज्ञान और दर्शन जो उनके पास है उसके मुताबिक अवस्थाओं को दिखाना. और अहंकार का काम है डिसीजन लेना. अच्छा. तो इसी प्रकार से कोई भी कार्य होता है तो ये चारों चारों व्यक्तियों का, ये चारों अवस्थाओं का रोल अपने आप साइमल्टेनियसली ऑन द स्पॉट आ जाता है. ओके. तो उसमें अहंकार जो है वो निश्चय करता है, नहीं कि बुद्धि. बुद्धि प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती है, अहंकार डिसीजन लेता है. अच्छा. तो और जो मन जो संकल्प, जो मन जो हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, तो मन जो संकल्प और विकल्प करता रहता है तो उसका डिसीजन बुद्धि नहीं लेती, अहंकार लेता है. बुद्धि बुद्धि ही उसकी वैल्यू बताएगी कितनी है कितनी नहीं, बाईपास करना है या इन्वॉल्व होना है, ये सब बुद्धि करती है. और बुद्धि के माप से अहंकार सिर्फ स्टैंप लगाता है. एनालिसिस बुद्धि करती है और स्टैंप सिग्नेचर होती है अहंकार की. ओके. और चित्त जो है, चित्त हमें सिर्फ अनुभूति कराता है. चित्त क्या करता है? चित्त वो अपना जो ज्ञान दर्शन है वो ज्ञान दर्शन अवस्था के अंदर ज्ञान दर्शन के रूप में हमको ये अवस्था को समझने में हेल्प मिलती है उससे, ज्ञान और दर्शन से. कोई भी अवस्था बिना ज्ञान दर्शन हम नहीं समझ पाते. अच्छा. यानी हम जो कहते हैं कभी कभी के मेरा मन लगता नहीं है, तो और कोई बोलता है कि चित्त लगता नहीं है, कि चित्त लगता नहीं है, तो दोनों दोनों सेम अवस्था है कि अलग अलग अवस्था है, मन लगना और चित्त लगना? वो सब सबका अपना अपना एक्सप्लेनेशन होता है, मगर मन नहीं लगने का मतलब भी यही है, बुद्धि नहीं लगने का मतलब भी यही है, चित नहीं लगने का मतलब भी यही है, और मेरा अहंकार मना करता है उसका मतलब भी यही है. मगर ये चार में चार अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है. एक ही चीज का चार फेसेस है, उसमें से कोई भी फेस का इम्पोर्टेंट हो सकता है. अच्छा. कभी अहंकार का रोल बड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति कहेगा कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तो यहाँ लॉस की तो बात हो नहीं हुई, कुछ लॉस हाँ. नहीं हुआ हमको, मगर अहम आ गया कि नहीं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं हाँ. और कहीं नुकसान हुआ तो कहते वीर मैं नुकसान क्यों भुगतान करूं, किसी को उधार दिया या किसी को माल पैसा दिया और फिर वो वापस नहीं देता है, तो वहां बुद्धि का प्राधान्य है कि मैं लॉस क्यों करूं. आप समझे ना? हाँ बिल्कुल. तो हर समय अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का रोल होता है. और वो चारों जो है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जैसे मैं हूँ, मैं पिता का रोल भी कर रहा हूँ, बच्चे का रोल भी कर रहा हूँ, भाई का रोल भी कर रहा हूँ, तो जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों अलग अलग रोल है, तो वो रोल किसके, आत्मा के है वो रोल, किसके रोल है? वो रोल मन के ही है. यानी मन ही मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो हाँ. चारों प्रकार का रोल है, वो प्रोसेस है. प्रोसेस कोई भी चीज को एनालिसिस करने की प्रोसेस है. ओके. इसमें चारों चीज चाहिए, बिना ये चार चीज प्रोसेस नहीं होती है हाँ. और आत्मा को जानने के लिए भी ये चार तो चाहिए ही चाहिए. हाँ. तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक नाम है, एक ही नाम है अंतस्करण. अंतस्करण हाँ. और अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी ऑफ अ न्यू कॉज. करेक्ट. तो उसमें प्रोसेस होके
स्पीच और एक्शन के बीज बनते हैं और नेक्स्ट बर्थ में यही प्रोसेस अंतस्करण में होती है और बाह्य करण में स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत संजोग देते हैं हमको बीज के फल रूप। अंतस्करण तो अंदर है ही, जो पिछले अवतार का चार्ज अंतस्करण है ये अवतार में अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, वही अंतस्करण बिल्कुल, और बाहर स्पीच और एक्शन के संजोग कुदरत देंगी हमको और इसी प्रकार से कर्मों की भुगतान जीव को होती है। अच्छा स्वामी जी, एक दूसरा भी प्रश्न था मेरा छोटा सा, जैसे कर्म जो फल देते हैं इतने सारे, उसके हिसाब से सबको सुख दुख का अनुभव होता रहता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म के बाद मृत्यु पामते हैं, जैसे मर जाते हैं एक महीने में, दो महीने में, या फिर जन्म के साथ ही मर जाते हैं, तो उनको कौन सा कर्म का फल मिलता है, उनके पिछले जन्म का कर्म का फल मिलता है? और अगर उनको वो जो फल मिलता है तो उसको तो फील नहीं होता है, उसके मदर फादर को ज्यादा फील होता है, ठीक है, क्योंकि वो अगर मर गया तो उसके मदर फादर को ज्यादा दुख होता है, पूरी जिंदगी दुख रहता है कि मेरा बच्चा जन्म के बाद एक महीने में या फिर एक साल में या फिर 20 साल में मर गया, तो वो जो छोटा बच्चा मर जाता है तो उसके मदर फादर के कर्म के हिसाब से उनको दुख मिलता है और बच्चे को जन्म के हिसाब से दुख मिलता है जो एक महीने में मर जाता है। सबका दुख का प्रकार अलग अलग होता है, माता पिता को ज्यादा दुख लगता है, बच्चे को कम लगता है। नहीं, बच्चे तो छोटा तो बच्चा तो मर जाता है, उसका क्या, उसके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि इस जन्म में वो जन्म के तुरंत मर गया, बिना कर्म तो भुगतान होते ही नहीं है ना। अच्छा, तो अपने ऐसे भी कहा जाता है कि कर्म के हिसाब से आपको जन्म मिलता है, ठीक है, तो अगर उसने पिछले जन्म में अगर इतने बुरे कर्म किए हैं तो उसको फिर मनुष्य योनि में जन्म लेने की क्या जरूरत है, उसको कोई भी स्वान की योनि में या फिर कौवे की योनि में जन्म लेता ना अगर बुरे कर्म किए होते तो फिर वो मनुष्य योनि में जन्म लेके क्यों मर गया फिर, ऐसे एक प्रश्न आ रहा था इसलिए। नहीं, कहने का मतलब ये कि मनुष्य अवतार में जन्म लेगा तभी तो माता पिता बनेंगे और भुगतान होगी ना। नहीं नहीं, जो छोटा बच्चा मर गया उसकी बात, छोटा बच्चा जो छोटा बच्चा मर गया मगर भुगतान माता पिता को भी होती है ना। हाँ, तो छोटे बच्चे का कर्म का उसको फल मिल रहा है अगर वो मर गया तो। हाँ, तो ये दोनों का कर्म का रिलेशन है ना, एक बच्चे के माध्यम से माता पिता को सुख मिलता है और दूसरे बच्चे के माध्यम से माता पिता को दुख मिलता है, दोनों ही कर्मों का फल है। करेक्ट, माता पिता को तो उनके कर्मों का फल मिल गया यानी दुख मिल गया, लेकिन बच्चे को तो जन्म होते ही मर गया वो। हाँ, तो पर क्या मतलब, तो उसने कौन सा ऐसा कर्म किया था ये जन्म में कि उसको ऐसा मरना पड़ा? इतना ही कर्म किया था कि बस माता पिता के गर्भ में पैदा होना और मर जाना, बस बाकी का बर्थ उसका नेक्स्ट बर्थ होगा ऑन द स्पॉट, यहाँ उसका लाइफ खत्म हो गया, माता के गर्भ में 9 महीना रहा, जन्म हुआ और मृत्यु प्राप्त किया। यानी पहले के जन्म में उसमें ऐसे कर्म किए होंगे कि इस बार सिर्फ उसको मनुष्य योनि 9 महीने की मिली, 9 महीने की मिली, इतना ही हिसाब था माता पिता के साथ, इतना ही, और माता पिता का हिसाब भी उनके साथ इतना ही था, दोनों की बात करता हूँ। कर्मों का हिसाब आमने सामने होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। करेक्ट, तो दोनों का हिसाब जितना था वो आप देखो, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर जिस समय आप स्कूल में पढ़ते थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में, उस समय के जो आपके फ्रेंड थे बाद में आपको जीवन में कभी नहीं मिलते हैं। मिलते हैं कभी है? मिलते हैं, मतलब कहने का मतलब 50 बच्चे हैं तो 50 तो नहीं मिलते हैं, नहीं, क्योंकि हिसाब नहीं था हमारा, हिसाब नहीं था हमारा, तो बाल मंदिर का टीचर था वो भी 1 साल पढ़ा रखे, खत्म हो गया हमारा हिसाब। हाँ, कई लोग ऐसे मिलते हैं, हम ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, बस 2 घंटे का हिसाब होता है, बाद में न पहले मिला है न बाद में मिलते हैं, इतना ही हिसाब हमारा है। यस और नो? करेक्ट करेक्ट।
जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें वन टाइम में ही हमारा हिसाब खत्म हो जाता है, बिगिनिंग एंड ओनली इन अ वन ट्रांजेक्शन। करेक्ट। और कुछ प्रश्न करना है? नहीं स्वामी जी, बस ये दो ही प्रश्न। ओके ओके, जय जय सच्चिदानंद। सुदक्षिणी बेंगलोर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। वॉइस क्लियर आ रहा है स्वामी जी? जी जी। अभी मुझे प्रश्न है मेरे निगोद के बारे में। अभी निगोद के जीव आपने ऐसे बोला कि एक इंद्रिय जीव होता है। बोलिए। एक इंद्रिय है नहीं, उसको एक्टिव नहीं होता है। इनएक्टिव मोड बट वन सेंस। और उसका जन्म भी और मरण भी होता है? ऑफ कोर्स, जीव है तो जन्म मरण तो रहेगा ही। हाँ, अगर उसका जन्म होता नहीं है, उसका जन्म मरण है ऐसा है तो निगोद में काल तत्व भी होना चाहिए, क्योंकि उसका एक टाइम मरने का है और एक टाइम बर्थ करने का भी है, तो काल तत्व होना पड़ेगा। बताऊं मैं आपको। देखो, यहाँ निगोद के जीव होते हैं, उनका समय जो लाइफ का है वो फिक्स है। क्या है? हाँ, एक ही पलकारे में 17 बार वो जन्म लेते हैं और मरते हैं। इनको और कोई कर्म की भुगतान नहीं है। आप समझे? जैसे कोई चीज का लाइफ फिक्स हो गया तो फिर उसको कर्म नहीं कहेंगे। समझ में आया? हाँ, जैसे दिन रात होता है तो आप क्या कहोगे इसको? ये कर्म फल है? नहीं, ये सूर्य का कर्म फल है। कभी 12 घंटा आता है फिर 12 घंटा चला जाता है, ऐसा बोलोगे? नहीं। ऐसा है तो इसीलिए वहां निगोद में कॉज इफेक्ट नहीं होता है, तो वहां आयुष्य फिक्स होता है। हमारे यहाँ आयुष्य फिक्स नहीं होता है, कोई पैदा होते ही मर जाते हैं, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15, 20, 25, 90, 100 साल, 125 साल के बाद भी मर जाता है, तो ये उसके कर्मों का फल होता है। वहां ऐसा नहीं है। लेकिन काल तत्व तो होना पड़ेगा ना, तो इतना समय तो उसका गिनती है तो जरूरत नहीं है। वहां काल तत्व किससे जुड़ोगे आप? नहीं, एक जीव का मरण और जन्म के समय तो रहना चाहिए ना। मैं समझ गया, मगर जरूरत नहीं वहां। अगर हमारे कर्मों की तरह उनका भी भुगतान होता है तो वो समय तत्व चाहिए। वहां समय तत्व की जरूरत नहीं है। समय तत्व किसको जरूरत होती है? जिसको अलग अलग कर्मों के भुगतान होती है, जिसका आयुष्य अलग अलग होता है और जिसके कर्मों के भुगतान का आयुष्य भी अलग अलग होता है। यहाँ तो ऐसा है नहीं। इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, जन्म मरण। लेकिन समय के बिना वो कैसा क्रिया में आ सकता है? समय उसके लिए, समय काउंटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं, ना उसको पुरुषार्थ करना है और ना इसको कर्मों के भुगतान करना है, इसीलिए वहां इसको बट नेचुरल बताया। क्या बताया? बट नेचुरल। व्यवहार राशि में आने के बाद इनको ये नाम मिलता है, तब से उनका डेवलपमेंट शुरू होता है। इसको लाइफ मिलती है। क्या मिलती है? लाइफ मिलता है। और एक प्रश्न है स्वामी जी, तो ओ निगोद के जीव को ये वहां से यहाँ लोक में आने के लिए गति सहायक के तत्व की जरूरत नहीं पड़ती? गति नहीं, वो अब पहली बार आते हैं वो बट नेचर आते हैं, गति सहायक तत्व लोक में बाद में लागू होता है। तो आने के लिए उसको धक्का कुछ ऐसा कुछ चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इसीलिए तो उसको बट नेचुरल कहा।
नहीं, एक कोई भी चीज को हिलने के लिए या कुछ एक्टिविटी में आने के लिए कुछ तो गति सहायक या स्थिति सहायक की जरूरत नहीं पड़ती, बिना कुछ संयोग के हो सकता है। वही 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 तो मैंने बताया कि जब पहली बार वो निगोद से व्यवहार राशि में आता है तब इनको, इसीलिए उनको बट नेचुरल बताया। क्या बताया? कुदरती। फिर यहाँ आने के बाद सभी प्रकार के छह तत्व उनको लागू होता है लोक के अंदर, अलोक के अंदर नहीं है। वो बट नेचुरल आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो बट नेचुरल भी कुछ तत्व यानी कुछ तत्वों से नहीं बनता है नहीं। जैसे जैसे हम कहेंगे कि आप कहोगे कि ये सूर्य ये चंद्र किसने बनाया, तो कहेंगे बट नेचुरल। किसी व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है। आप समझे ना, दिन होता है रात होती है तो वो बट नेचुरल है। बट नेचुरल का मतलब कोई क्रिएटर नहीं होता है। अभी इसको इसको कहते हैं स्वयंभू। क्या बोलते हैं? स्वयंभू, अपने आप। ऐसा मतलब कि सूर्य और चंद्र का रात और दिन होना वो गति सहायक स्थिति सहायक के आधार पर नहीं है। गति सहायक स्थिति सहायक के ऊपर है वो दिन रात, मगर सूर्य चंद्र जो बना है वो बट नेचुरल है। चंद्र को घूमना, सूर्य को घूमना, पृथ्वी को घूमना, ये तो गति सहायक तत्व है। तो यानी प्लैनेट्स उनका है, उनका अस्तित्व है वो बट नेचुरल है। जब सारे प्लैनेट्स जो है वो बट नेचुरल बट नेचुरल है। हाँ, वो स्वयं वो बने, कोई व्यक्ति ने बनाया है ऐसा नहीं है। वो छह तत्व ऐसे घूमने के कारण एक स्वयंभू ऐसे निकल गया ऐसा है कुछ से अभी प्लैनेट। छह तत्व तो इस यूनिवर्स में है ही, और उनके आधार से ये दिन होना, रात होना, ठंडी गर्मी बारिश होना, ये भरती ओट होना, और इसमें जीव सृष्टि आना, और फिर उसका फिर कॉज और इफेक्ट बनना, ये सब जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं कुदरती रचना। अभी बोलते हैं कि सूर्य था बहुत बड़ा गोला था आग का, वो बाद में ऐसे फट गया और उसका प्लैनेट्स ऐसे बाहर बाहर दूर दूर जो सूर्य से दूर हो गया, बहुत बाहर सूर्य का ताप का, वहाँ एक गोला बन के एक प्लैनेट बन गया, वो थोड़ा गर्म पास जो है वो गर्म रहा और इसके कारण ही वो घूमता रहा, ऐसा साइंस में बोलते हैं। वो बराबर है, वो साइंटिस्ट ने जो भी कुछ बताया गया है वो एजम्पशन है। दे हैव नो विजन बट बाय इज इंटेलेक्चुअल हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल दे एक्सप्लेन कि एक लाख साल पहले या 10 लाख साल पहले ये बना हुआ है, ये एजम्पशन है, इसका वो प्रमाण नहीं दे सकते। और जो केवल ज्ञानी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो देख के बताते हैं, वो एजम्पशन नहीं करते, वो एज इट इज बताते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया ना। आप समझे कि नहीं समझे? जो भी साइंटिस्ट बताते हैं उसको गलत नहीं कहेंगे, मगर एजम्पशन का मतलब ऐसा ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जहां तक कोई और दूसरा प्रमाण नहीं मिले वहां तक ये सही है, बाद में अगर दूसरा प्रमाण मिलेगा तो ये विज्ञान फिर चेंज हो जाएगा। और साइंस में तो सभी साइंटिस्ट कबूल करते हैं कि ये साइंस जो हमने रिसर्च किया है ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, उससे आगे भी हो सकता है। मगर हमारा हमारा रिसर्च यहां तक का है, फिर आगे वाला आगे भी कर सकता है, उसके आगे वाला आगे भी कर सकता है। यानी वो ऐसा नहीं कहता है कि हमारा सत्य अंतिम सत्य, वो नहीं कहेगा, हमने यहां तक अनुभूति किया। आपको समझ में आया? ये 14 राशि जो जन्म है, 14 लोक
यस ये भी बट नेचुरली है बट नेचुरली इसका कोई क्रिएटर क्रिएटर नहीं है ठीक है सुन जय जय सच्चिदानंद हितेश भाई राजकोट जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आवाज आवाज स्वामी जी आवाज आवाज स्वामी जी प्रश्न ये है कि आत्मा का अनुभव किसे करना है आत्मा का अनुभव किसे करना है आत्मा का अनुभव आत्मा ही करता है मगर भ्रांति से ये प्रतिष्ठित आत्मा ने शरीर को अपना माना इसीलिए उनको ये अज्ञानता को निकालने के लिए आत्मा को ही अपना स्वरूप मानना पड़ा तभी तो वो अज्ञान निकलेगा नहीं तो नहीं निकलेगा तो अज्ञान निकालने के लिए ये दृष्टि जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा को मिली है कि मैं शरीर नहीं हूँ शुद्ध आत्मा हूँ वो किसके लिए मिला अज्ञान दूर करने निकालने के लिए आप समझे और ये यानी प्रतिष्ठित आत्मा भी एक बिलीफ है प्रतिष्ठित आत्मा भी बिलीफ है परमात्मा भी बिलीफ है और मैं शरीर हूँ वो भी बिलीफ है यानी जो हम समझते हैं अनुभव करना वो उसमें नहीं होता ऐसा अनुभव अभी जो अनुभव करना है वो पहले हमने रिलेटिव सत्य का अनुभव किया इसको ही रियल सत्य माना अभी सनातन सत्य का अनुभव करके रिलेटिव सत्य का नाश करना है और जब सभी प्रकार का रिलेटिव सत्य नाश हो गया तो फिर आत्मा स्वयं जागृत हो गया यानी खुला हो गया अनकवर हो गया आप समझे कि नहीं समझे। नया नहीं आया जैसे हमारे घर के अंदर जो सेफ बॉक्स है तिजोरी जिसको बोलते हैं तो उसके अंदर हमने डायमंड रखा है उनकी कीमत शायद 10 करोड़ रुपया है तो पहले तो क्या था कि वो तिजोरी घर में कहीं छुपाई हुई थी तो वो मालूम नहीं था मगर हमको पेपर मिला ग्रैंडफादर का कि घर में कोई जगह पे हमने तिजोरी रखी है और तिजोरी के अंदर डायमंड है इतना इंफॉर्मेशन मिला क्या मिला इंफॉर्मेशन मिला बराबर फिर हम प्रयास करते कहाँ है कौन सी जगह पे घर पे है फिर तिजोरी मिला मगर डायमंड अभी नहीं मिला क्योंकि चाबी नहीं है चाबी नहीं है बराबर फिर चाबी मिली फिर चाबी की तिजोरी की कोई वैल्यू नहीं सिर्फ डायमंड की वैल्यू नहीं समझ में आया बराबर कोई कहता है मेरे को चाबी दे दो तिजोरी दे दो ले जाओ मगर पहले तिजोरी की भी वैल्यू थी चाबी की भी वैल्यू थी जहां तक डायमंड नहीं मिला था तो डायमंड को ढूंढने के लिए तो तिजोरी भी ढूंढना पड़ेगा और चाबी को भी ढूंढना पड़ेगा बराबर मगर जब डायमंड मिल जाए तो ये दोनों की वैल्यू नहीं है बराबर है बराबर हाँ समझ में आया यानी आत्मा का अनुभव आत्मा ही करता है ऐसा आप बोल रहे हैं तो और कौन करेगा बाकी सब बिलीफ ही है इसीलिए तो ज्ञानी गुरु दादा भगवान ने भी यही कहा कि मैं चंदूलाल हूँ वो रॉन्ग बिलीफ है और मैं शुद्धात्मा हूँ वो राइट बिलीफ है बिलीफ ही कहा है बराबर आप समझे ना समझे मगर ये पूरी दुनिया मान्यता से ही चलती है ये रिलेटिव वर्ल्ड इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर एज पर योर इंडिविजुअल बिलीफ
आपकी व्यक्तिगत मान्यता पे चलता है, चलता है। आप इसको माँ मानोगे तो उसी प्रकार के व्यवहार करोगे, आप इसको अननोन व्यक्ति मानोगे तो उसी प्रकार का व्यवहार होगा, आप इसको पत्नी कहोगे तो उसी प्रकार का व्यवहार होगा, आप इसको पड़ोसी कहोगे तो उसी प्रकार का व्यवहार होगा। मगर ये सब बिलीफ के ऊपर ही है ना, बिलीफ बिलीफ है, बराबर। तो फैक्ट तो है ही नहीं कुछ, फैक्ट है ही नहीं, बराबर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एक जनू ले लो। हाँ, भावना पंडित, पची ब्रेक। जय सच्चिदानंद। आवाज 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 धीमो आवे छे। बराबर छे, बराबर। माइक्रोफोन ने थोड़ो नजीक राखो, माइक्रोफोन माइक्रोफोन थोड़ो नजीक राखो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आध्यात्म विज्ञान यानी कि क्रियाकार्य विज्ञान टोटली ऑटो, ओके, आध्यात्म विज्ञान यानी क्रियाकार्य विज्ञान यानी टोटली ऑटो, ऑटो में ऑटो मोड में काम करता है पूरा का पूरा, और भौतिक विज्ञान यानी वही ऑटो विज्ञान को कैसे काम कर रहा है ये बताना, भौतिक विज्ञान यानी कि वही क्रियाकारी विज्ञान कैसे काम करता है ये बताना, यानी कि भौतिक विज्ञान यानी कि प्रयोग, प्रयोग प्रयोग यानी वो जैसा है वैसा बताना, और आध्यात्मिक विज्ञान यानी कि श्रद्धा। तो श्रद्धा की आपने श्रद्धा से हम समझते हैं आध्यात्मिक विज्ञान, तो जो कोई भी जो बोलता है वो राइट है, जैसे कोई भी संत महात्मा कुछ भी बोलता है वो राइट है, लेकिन विज्ञान भौतिक विज्ञान उसको नहीं मानता है, तो प्रयोग के द्वारा रिजल्ट बता देता है, फल बताता है। तो इसको आपको थोड़ा समझना है, तो हमें जैसे आध्यात्मिक विज्ञान यानी ऑटो क्रियाकारी विज्ञान है, अगर मैं ये समझ जाती हूँ तो कोई भी चीज मुझे सामने आती है तो मुझे लगता है यस दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, यानी छोटी से छोटी बात जो भी कोई भी व्यक्ति बोलता है तो मुझे यस हो जाता है। और जब भौतिक विज्ञान के लोग बड़े बड़े विज्ञानी लोग उसी चीज को प्रयोग द्वारा राइट करते हैं, जैसे कि आप जो बता रहे हैं ना ये सनातन सत्य यानी कि कुदरत का कानून, तो कुदरत का कानून टोटली ऑटो मोड में ही चल रहा है, ऑटो मोड में, और वही कुदरत का कानून को भौतिक विज्ञानी लोग बड़े बड़े विज्ञानी लोग कुदरत का कानून तो ऑटो मोड में है, इसका कोई करता ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको हम आत्मा कह रहे हैं जिसका नाम है, बराबर बराबर नहीं, तो फिर प्रश्न क्या है? अरे भौतिक विज्ञान हमको वही पर्टिकुलर चीज को फल के द्वारा बता देता है, बताता है ये चीज, तो हमें पूरा भौतिक, अगर हम साइंस में जाते हैं तो तीन साइंस है जैसे केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस में हम ये पूरी अभी जो क्रियाकारी बातें समझ रहे हैं, कि लाइफ साइंस में जैसे मनुष्य में हमको ये सब दिक्कत आ रही है, ये क्या है वो क्या है वो क्या है, हम और बढ़े हमारे आध्यात्मिक जगत और बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ किया जैसे ऐसा लग की फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत डेवलप कैसे होते जाएगा मनुष्य, तो वैसे वैसे वो आध्यात्मिक विज्ञान जो राइट वे पे हमको कुछ समझ में आएगा क्या? सबसे पहली बात आप सबसे पहली बात आप सिद्धांत समझ लो कि आध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान में, आध्यात्म विज्ञान में 6 तत्व है, भौतिक विज्ञान में 5 तत्व है, और दोनों में 5 तत्व कॉमन है, जो जिससे दुनिया चलती है, जिससे दुनिया चलती है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम स्पेस और जड़, ये 5 तत्वों का एक नाम है भौतिक विज्ञान। समझ में आया? 5 तत्व का एक नाम है जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये 5 तत्वों का एक नाम है भौतिक विज्ञान,
और इसमें अगर आत्मा जोड़ दिया, चेतन जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं आध्यात्म विज्ञान। और इसीलिए भौतिक विज्ञान और इस एक मिनट और इसीलिए भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान के कुदरत के कानून अलग है, वो सब्जेक्ट नहीं आता है। क्या नहीं होता? भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में कुदरत का कानून अलग अलग है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। भौतिक विज्ञान में नहीं है? भौतिक विज्ञान में भी एक मिनट, भौतिक विज्ञान में यही कुदरती कानून है जो आध्यात्म विज्ञान में कुदरती कानून है, तो दो प्रकार का कुदरत का कानून नहीं है। इसलिए तो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं ना, रॉन्ग बिलीफ। हमें रॉन्ग बिलीफ आध्यात्म में भी ना, रॉन्ग बिलीफ में तो राइट बिलीफ। इसीलिए खाली जड़ तत्व की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए हमको पहले ये विज्ञान समझना पड़ेगा, फिर मालूम होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है और आध्यात्म विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान में कुदरत का कानून भी वही है, आध्यात्म विज्ञान में भी कुदरत का कानून वही है। भौतिक विज्ञान सिर्फ 5 तत्व को बिलीव करता है, वो लिमिटेड ज्ञान हो गया, और आत्मा तत्व को बिलीव करते हैं तो अनलिमिटेड ज्ञान हो गया। क्या हो गया? अनलिमिटेड ज्ञान हो गया। क्योंकि जितने भी महान साइंटिस्ट हो गए, जिसको हम गोल्ड मेडलिस्ट कहे, या तो जिसको नोबल प्राइज मिला है, या तो जो वर्ल्ड फेमस है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान साइंटिस्ट, सर आइजैक न्यूटन, ऐसे बड़े बड़े महान साइंटिस्ट है, तो उन्होंने यही कहा है कि मैंने अपने जीवन में ये जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस कैसे काम करता है, उसके ऊपर तो मैंने बहुत संशोधन किया है, और दुनिया को मैंने इसका संशोधन बताया भी है, मगर मेरे को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि ये 5 तत्व को एक्सप्लेन करता हूं वो किसकी हाजिरी में करता हूं, इसको जानना अभी भी मेरे को बाकी है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल समझ आ गया जी। और अभी जो आप बता रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि ये आध्यात्म विज्ञान के आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं आप। तो मैंने यही कहा है कि आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, दिस इज माय टाइटल। हाँ, इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई धार्मिक बात करता हूँ, ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं है। नहीं, यही मैं, मेरे को लग रहा है कि और हमें आप और आगे ले जाइए और प्रकाश मिल रहा है, जैसे कि हम भी और तक आराम से पहुँच सके और एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को, ये सब झंझट से निकल जाए। या तो इसीलिए मैंने झंझट से निकल जाए। अभी तो अभी भौतिक जगत में रह रहा है तो झंझट से निकल जाना है। अभी का मोटा तो वही है कि सिद्ध क्षेत्र चले जाना है। बराबर है, मगर इसीलिए मैंने कहा ना कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर सिर्फ एक ही तत्व का फर्क है, और वो है चेतन तत्व, जो इसको बिलीव नहीं करता है। बाकी 5 तत्व तो दोनों में कॉमन है, और कुदरत का कानून भी दोनों में कॉमन है, मगर जब आत्मा तत्व नहीं होता है तो फिर यहाँ सनातन सत्य की बात नहीं होती है, यहाँ मुक्ति की बात नहीं होती है, यहाँ पाप पुण्य की बात नहीं होती है, यहाँ कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं होती है, यहाँ रीबर्थ की बात नहीं होती है, या कर्म के सिद्धांत की बात नहीं होती है, क्योंकि आप आत्मा को बिलीव नहीं करते। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जो आत्मा तत्व को जब महसूस करेगा, अनुभव करेगा, तभी तो इसको मालूम होगा कि आखिर आत्मा तत्व का रोल क्या है।
अज्ञानी के अंदर भी आत्मा है, मगर इसका रोल क्या है? वो है तभी तो कॉज इफेक्ट है, वो है तभी तो ज्ञान दर्शन है, वो है तभी तो लाइफ है। आप समझे ना, वो है तभी तो पाप पुण्य है, वो है तभी तो कर्म और कर्म फल है। अगर आत्मा तत्व नहीं है तो जड़ जड़ को भुगतान नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी हम जीव जीव बन के आए हैं, तभी तो ये सब झमेला है। अगर हम जीव बनते ही नहीं, अगर हम जीव बनते ही नहीं तो ये सब झमेला ही नहीं होता। हम इतने तत्व ही रहते, पांच तत्व रहते। मैंने कहा ना कि उन्होंने पांच तत्वों को समझने की बहुत अच्छी कोशिश किया है भौतिक वैज्ञानिकों ने, और अध्यात्म विज्ञानी जो होते हैं वो पांच तत्व के ऊपर जो आत्मा तत्व है वो भी बताता है। क्योंकि अगर आत्मा तत्व नहीं जाना तो समझ लेना आपने वास्तव में ये दुनिया की सनातन सत्यता का सनातन सत्यता को जाना ही नहीं है। क्योंकि जानने वाला है उसी को तो आप नहीं जानते हो। ये दुनिया के सभी प्रयोग किसकी हाजिरी में जाना, वो जड़ का तो स्वभाव होता नहीं है। जानकारी प्राप्त करना अनुभव करना, वो जड़ का स्वभाव नहीं होता है। वही हजारों वर्षों से सब अपने अपने अनुभव ही बता रहे हैं आत्मा के बारे में। जो जो बड़े बड़े संत महंत हो गए हैं, पुराण से लेकर आज तक की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अपने अपने अनुभव ही बताया, लेकिन किसी ने उसको एग्जैक्टली बिलीव नहीं कर पाए। हाँ, साइंटिस्ट भी अपना अनुभव ही बता रहे भौतिक विज्ञानी, मगर वो आत्मा की हाजिरी को एक्सेप्ट नहीं करते है। ये अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपसे, ये आएगा, ये दिन भी आ जाएगा। आगे लग रहा है ऐसा कि अभी अगर ये दिन अगर किसी को भी आगे बढ़ना है तो बिना आत्म तत्व आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि बिना आत्म तत्व ज्ञान और दर्शन होता ही नहीं है, और ये पांच जड़ तत्वों का स्वभाव ही नहीं है। वो भी साइंटिस्ट को मालूम है कि ज्ञान दर्शन वो पांच जड़ तत्व का स्वभाव नहीं है। हाँ, क्योंकि आज में जब हम समझते हैं तो जो कुछ भी हुआ है तो ऑटोम में सब हुआ है, चाहे दुनिया भी अगर हम पृथ्वी पर जो कुछ भी देख रहे हैं सारा चीज तो ऑटोमोड में ही हुआ हुआ है। तो आप द्वारा वो लोग बता रहे हैं कि चीज उसको राइट करते 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 अभी आध्यात्म जगत में आत्मा का ही कंट्रोल है सभी चीजों का। ये अभी हमें लास्ट में समझ में आना आ जाना चाहिए सबको। जी जी जी, आपका आ जाएगा। अभी हम आपके पास बहुत और कुछ जानने मांग रहे हैं क्योंकि हमें केवल ज्ञान तक जाना है। जरूर जरूर जरूर, वहाँ तक पहुँचना है, अनुभव करना है उसको, फुल अनुभव करना है। थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है, एक आधा स्मॉल परसेंट, एक बिंदु कुछ तो हो ही रहा है अनुभव। अभी ऐसा प्रश्न भी आ रहा है मन में, बहुत मैं तो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ फिर भी मुझे ऐसा प्रश्न आ रहा है। जी 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 जी, नहीं नहीं, जरूर जरूर जरूर। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी पद्मुखी था आपने कविराज जी, आने वाला ना रविवार को याद करके। रविवार को इधर भाई पद्मुख जो रात
चंद्र बनाए थे किलो जो वजह न ऐसी बिल्कुल ना श्रुति प्रमाण कहते हैं ऐसे प्रमाण होते हैं वो तो प्रमाण शास्त्रों कोई शास्त्रों पढ़ने वाले कहते हैं शास्त्र प्रमाण बोलते हैं वेद है ऐसे शास्त्र प्रमाण कहते हैं हमें बोले तो ये साइंस के बारे में बोल दिया तो वो चाहते हैं प्रमाण चाहते हैं लेकिन हमें मालूम होता है हमें अनुभव है सार्वत्रिक अनुभव है और ये तो क्या है निराकुलता होता है दुख टच नहीं होता है और वितरा वो अनुभव होता है लेकिन उनको कन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ता है वो प्रमाण चाहते हैं ना उनको प्रमाण ही ये शास्त्रों में देख कर आए हैं ऐसे लोगों के लिए मैं समझ गया तो सिंपल बात ये है कि शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो उस लेवल के अनुभवी पुरुषों ने ये शास्त्र लिखा है और हम भी आज जो अनुभव कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं और इसका शास्त्र में प्रमाण ऐसा होता है कि जो शास्त्रों में ये दुनिया का जो सनातन सत्य है उसका ही अनुभव करके वो आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते समय उसको जो अनुभूति हुई या अध्यात्म विज्ञान को समझ के बाद वो अनुभव उन्होंने बताया है तो हम यही अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं जिस विज्ञान के माध्यम से उनको अनुभव हुआ है क्योंकि हाँ, विज्ञान सनातन है शास्त्र सनातन नहीं हो सकते हाँ, वो तो सिंपल बात है ना हाँ, स्वामी जी तो जो अध्यात्म विज्ञान को पूर्वजों ने महान पुरुषों ने ऋषि मुनियों ने या अध्यात्म विज्ञान को समझ के जो भी अनुभव हुआ वो उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश किया और धीरे धीरे वही परंपरा में वो बातें शास्त्र में आ गई हाँ स्वामी जी हाँ मगर वो शास्त्र में बातें आ गई वो उसका मतलब यही है कि आपको एक दिन यही सनातन सत्य का अनुभव करना है हाँ, शास्त्र का नहीं करना है शास्त्र तो माध्यम है जैसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते उसका मतलब ये कि आगे जाके आपको पैसा कमाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो चाहे प्रोफेशन करो मगर हम आपको यहाँ स्कूल कॉलेज में तैयार करते हैं हाँ। यहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा पैसा आपको देना पड़ेगा बराबर है ना बराबर है मगर वो पैसा देकर हम पढ़ाई करते हैं उसका मतलब है आगे जाके हम या तो नौकरी करेंगे या बिजनेसमैन बनेंगे या तो प्रोफेशन करके हम पैसा कमाएंगे हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब ये तो ऐसे ही पास्ट में ऐसे महान पुरुषों ने यही जगत का सनातन सत्य का अनुभव करके जो उनको वैराग्य आया और जो उन्होंने आत्मा की खोज किया और वही लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश किया बाद में उसी की परंपरा में ये किताब बने मूल पुरुष कभी किताब लिखते नहीं है हाँ, उनकी परंपरा में लिखते हैं परंपरा में आप समझे हाँ, तो आखिर हाँ, किताब भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने किताब पढ़ते ही रहे मगर ये किताब का जो मर्म था वो सनातन सत्य जानना अगर वहां आपकी दृष्टि नहीं गई तो फिर आपका ज्ञान तो किताबों की तरह सीमित हो जाएगा नॉलेज हो जाएगा और फिर बाद में आप कहोगे कि ये शास्त्र सही है फिर ये शास्त्र गलत है ऐसा बोलते रहोगे तो ये तो सनातन सत्य की बात नहीं हुई हाँ स्वामी राइट एंड रॉन्ग वो तो रिलेटिव ट्रूथ हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ में राइट रॉन्ग नहीं होता है
हाँ स्वामी, रिलेटिव ट्रूथ में राइट एंड रॉन्ग होता है। अगर आप जैन है तो आप कहोगे आगम सही है, वेदांत सही नहीं है। अगर आप ब्राह्मण है तो कहो वेदांत सही है, आगम सही नहीं है। तो रिलेटिव ट्रूथ में तो राइट एंड रॉन्ग होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है, वो तो लॉ ऑफ नेचर होता है। लॉ ऑफ नेचर, तो शास्त्र अपने आप ही एक लिमिटेड विजन बना देता है, एक सांप्रदायिक विजन बना देता है। हाँ स्वामी, इससे ऊपर उठेंगे तब सनातन सत्य समझ में आएगा। हाँ, हाँ. समझ में आया? हाँ समझ में आया स्वामी जी। और एक है, ये तो बिलीफ, ये रॉन्ग बिलीफ, ये तो रिलेटिव को रॉन्ग बिलीफ कहते हैं, और राइट बिलीफ तो मैं शुद्धात्मा और राइट बिलीफ कहते हैं, वो तो शुद्धात्मा नहीं परमात्मा, ये बिलीफ ये है, इसको कैसे समझे स्वामी जी? सब सब समझा नहीं, रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ, फिर क्या प्रश्न है? ये बिलीफ ही है या तो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये बिलीफ पहले बिलीफ करते हैं, लेकिन बाद में ये बिलीफ नहीं है ना, मैं ही वो हूँ, मैं प्रकाश आत्मा ही कहते हैं ना वो। बिलीफ बिलीफ इसीलिए कहा गया कि अभी अनुभूति नहीं है तो इसको बिलीफ कहते हैं, अनुभूति हो गई तो फिर इसको बिलीफ नहीं कहेंगे, आपका मूल स्वरूप कहेंगे। मूल स्वरूप, जैसे जैसे आप बालक के रूप में पैदा हुए उस समय तो आपका नाम नहीं था, बाद में नाम बताया, लोगों ने नाम दिया और बताया और आपने स्वीकार किया, बाद में ही आपको अनुभूति होती है टाइटल टाइटल के माध्यम से, टाइटल के। हाँ, तो कहने का मतलब है वो टाइटल वो बिलीफ है, टाइटल वो आप नहीं है। हाँ हाँ स्वामी, आपको पहचानने के लिए टाइटल दिया है। हाँ, अगर टाइटल नहीं होता तो आप लोग आपको कैसे पहचानेंगे? मुश्किल होगा। समझ में आया? हाँ समझ में आया स्वामी। टाइटल नहीं है तो लोग आपको कैसे पहचानेंगे? हाँ, वो पहचानने तो के लिए आत्मा भी टाइटल ही है, मगर टाइटल से हमको रियलाइज करना है, मगर टाइटल पहले जानेंगे तभी तो आप अनुभूति करोगे ना, तो आपको नाम दिया बाद में आपकी लाइफ शुरू हुई ना। हाँ, ये लाइफ के एंड में आपको नाम मिलता है। हाँ नहीं, पहले ही होते हैं। हाँ मालूम हो गया स्वामी जी, तो लाइफ की अनुभूति करने के लिए ही तो टाइटल है। हाँ, अगर टाइटल नहीं है तो आपका व्यवहार चलेगा? हाँ, पहला बिलीफ स्टार्ट होना चाहिए। अभी आप समझे, ऐसे ये रिलेटिव बिलीफ है, ऐसे ये रियल बिलीफ है। रिलेटिव बिलीफ से रिलेटिव चीजों का अनुभव होता है, और रियल बिलीफ का एंड क्या होता है? रियल की अनुभूति। और रिलेटिव बिलीफ का एंड क्या होता है? रिलेटिव की अनुभूति। हाँ स्वामी, मगर विदाउट बिलीफ तो अनुभूति होगी ही नहीं। हाँ स्वामी जी, मालूम हो गया। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस नेक्स्ट, रेखास आईफोन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं ये कह रही थी कि आपने बोला कि पुण्य जो भी आप कर्ता भाव से करेंगे वो सब शुभ क्रिया पुण्य में जाएगा, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक वही पुण्य काम आएगा। कर्ता भाव का पुण्य अलग होता है और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक का पुण्य अलग होता है, क्योंकि दोनों का आशय अलग है। जब कोई भी क्रिया कर्ता भाव से करते हो तो वो अपेक्षा से साथ करते हैं, तो अपेक्षा का मतलब होता है रिलेटिव शक्ति, और यहाँ मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक का मतलब होता है आपको मोक्ष में ही जाना है, उसी से सहायक और लायक आपको सर्कमपैक्ट चाहिए, संसार के लिए लायक सहायक नहीं चाहिए। मैं मेरा मतलब मेरा पुण्य का उसमें मतलब
इसके चौपड़े में, मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक चौपड़े में जमा कैसे, रकम कैसे जमा होगी? यही तो पुण्य, मेरी क्रिया का ही पुण्य तो उसमें जाएगा। नहीं, क्रिया का पुण्य नहीं जाता है, क्रिया का पुण्य नहीं जाता है, आपके आशय से पुण्य बनता है। क्रिया का पुण्य नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अगर क्रिया का पुण्य होंगे तो फिर महावीर मोक्ष में कैसे जाएंगे? 6 महीने का उपवास किया, लाखों लोगों को मोक्ष में पहुंचाए, तो फिर क्रिया का पुण्य कहाँ जाएगा? अच्छा नहीं बोले, अच्छा नहीं बोली, आप जवाब दीजिए। हाँ नहीं जाए बिल्कुल। तो फिर मोक्ष में क्यों गए वो? अच्छा, तो पुण्य क्रिया का नहीं होता है, पुण्य होता है भाव का होता है। हाँ। और भाव के पीछे आशय होता है। अगर आपको संसार के लिए लायक और सहायक संजोग चाहिए तो भी वो आपका भाव है, और मोक्ष के लिए लायक और सहायक चाहिए तो भी आपका भाव है, और दोनों में तो पुण्य चाहिए। मगर पुण्य जो बनेगा वो क्रिया से नहीं बनेगा, क्रिया के पीछे जो कर्ता भाव है इससे बनेगा। और दूसरी बात, इसकी आपका बंद हो गया, वो मेरे मोक्ष मार्ग के लायक सहायक नहीं होएगा स्वामी जी। हाँ, तो इसीलिए जब आपने कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ संसार के लिए लायक और सहायक इंटेंशन से ही बनाया है, तो अवश्य उनका फल संसार में ही मिलेगा, और उसमें आपके संसार का ही फल होगा, इसमें मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग नहीं होंगे। जब आपका आशय नहीं है तो कैसे होगा? और ठीक है स्वामी जी, एक दूसरा प्रश्न था, ये ना आपने बोला बट नेचुरल, निगोद से जीव निकलता है और आपने निगोद अलोक में बताया है, तो स्वामी जी जब जीव सब कर्मों से मुक्त हो जाता है और सिद्ध शिला पे जाता है तब भी उसको गति सहायक चाहिए, तो निगोद से निकलने के लिए भी तो कोई तत्व, ये थोड़ा सा मेरे को डिटेल से आप कभी भी समय मिले तब समझाएं तो थोड़ा ज्यादा प्रकाश चाहिए। मैंने 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 सिद्ध क्षेत्र में भी यही कहा कि लोक के, ये जो लोक है इसके अग्रभाग तक ही गति सहायक तत्व लागू होता है, फिर लोक के बाहर जाएंगे तो गति सहायक तत्व लागू नहीं होता है। नहीं, वो मैंने बताया था। बिल्कुल, मेरा डाउट इसमें ये आ रहा है मुझे कि निगोद भी हमने जहाँ पढ़ा है, निगोद भी ये लोक में ही है, मतलब अलोक में नहीं है कि बाहर से जीव अंदर लोक में प्रवेश कर जाता है, मतलब ऐसा कुछ, वो मेरे को ऐसा नॉलेज में नहीं है स्वामी जी, थोड़ा क्लियर करते तो। मैंने यही कहा कि लोक के अंदर जीवों की संख्या फिक्स होती है, जिसको हम 14 राज लोग कहते हैं, इसमें जीवों की संख्या फिक्स है। हाँ, और इसीलिए कुदरत उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर निगोद लगा दिया तो निगोद में तो अनंत जीव है तो फिर संख्या नहीं रही, सिद्ध क्षेत्र में अनंत जीव है तो फिर संख्या नहीं रही, और लोक के अंदर संख्याता जीव है क्योंकि संख्या है, तो दोनों को साथ में कैसे बिठा सकते हैं? नहीं, तो सिद्ध क्षेत्र तो लोक में ही है ना स्वामी जी, अग्रभाग है, ऐसे ये लो तल पे नीचे होगा, वो ऊपर है, वो अल्टीमेट ऊपर है, ये अल्टीमेट लो होगा, मतलब ऐसा मेरे समझ से। देखो, जब आप लोक शब्द बोलेंगे तो लोक के अंदर 6 तत्व का अस्तित्व होता है, और सिद्ध क्षेत्र कहोगे तो उसमें 6 तत्वों का अस्तित्व नहीं है। और फिर आप इसको लोक में बताओगे तो फिर पजल होंगी। इसके बाद निगोद है, वहां भी 6 तत्व नहीं है, तो इसमें भी लोक में बताओगे तो और भी पजल होगा। तो कोई भी बात को जब सिद्धांत से ऐसे रैंडम बोलना है तो बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, मगर जब कोई प्रश्न करेंगे तो आप उत्तर नहीं दे सकते, मतलब आपकी कोई कमी है। बरोबर, समझ गए। आप कहोगे सिद्ध क्षेत्र के अंदर जड़ तत्व है, गति सहायक है, तिथि सहायक है, टाइम तत्व है, तो बोला नहीं है।
फिर आप कहोगे वही सिद्ध क्षेत्र तो लोक में भी है, तो ये कैसे हो सकता है? ओके अच्छा स्वामी जी, तो जहाँ हमारे जहाँ हमने शास्त्रों में पढ़ा है जहाँ सिद्ध शिला है वहां पर वो शिला पृथ्वी काय की है, तो वहां पर पृथ्वी काय जीव है, ऐसे वहां पर वनस्पति जीव भी है, पेड़ पौधा भी हो सकता है, तो फिर छह तत्व चाहिए ना फिर अगर ये लोग है तो? ये जो बताया है ये सब कल्पना है, ऐसा नहीं है। सिद्ध क्षेत्र के अंदर भी जीव है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय, तो फिर सिद्ध क्षेत्र का मतलब ही कहां रहा? तो वो सिद्ध जहाँ है उसके आजू बाजू में तो आप जैसे ज्ञानी पुरुष हैं, हम आजू बाजू में अज्ञानी तो हो ही सकते हैं ना स्वामी जी? और अज्ञानी और ज्ञानी होती उसी को संसार बोलते हैं, या तीर्थंकर भी होते, केवली भी होते, अज्ञानी भी होते, इसी को तो संसार बोलते हैं। सिद्ध क्षेत्र में भी ऐसा है तो डिफरेंस क्या रहा फिर? तो क्या शास्त्रों में ऐसा वर्णन है वो कोई दूसरी अपेक्षा से है या कैसे समझना? हो सकता है, हो सकता है, हम उसको इसीलिए उसको कहेंगे, इसको कहेंगे रिलेटिव सत्य, सनातन सत्य नहीं कहेंगे, रिलेटिव सत्य का मतलब व्यू पॉइंट वाला सत्य। ओके पर अल्टीमेट तो कुछ होगा ना स्वामी जी, वो तो आप तो समझाइए कैसा नहीं है। अल्टीमेट तो मैंने बोल दिया ना, अल्टीमेट तो मैंने बोल दिया कि लोक के अंदर 14 लोक है, उसके बाहर निगोद है, और लोक और अलोक के ऊपर सिद्ध क्षेत्र है, वो मैंने बता दिया। लोक के अंदर 14 लोक है, उसमें 6 तत्व लागू होता है, सिद्ध क्षेत्र में स्पेस है और सोल है, ऐसे निगोद में भी स्पेस है, सोल है और जड़ तत्व है, क्योंकि एक इंद्रिय है, बाकी के तत्व नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ 3 तत्व, वहां 2 तत्व, यहाँ 6 तत्व, ये तीनों डिवीजन कर दिया मैंने। अच्छा तो समझने के लिए, समझने के लिए अब फिर इसको समझाइए कि अगर मान लो वहां पर 6 तत्व नहीं है सिद्ध शिला में, तो उनका जो ज्ञान और दर्शन निरंतर परिवर्तनशील है, वो ऐसा नहीं है कि स्टेबल है, वो भूत भविष्य वर्तमान में परिवर्तन हो ही रहा है, तो फिर वो गति कहाँ से आ रही है, वो ज्ञान दर्शन चेंज होने का गति? आत्मा, आत्मा को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान दर्शन नहीं होता है। हाँ केवल ज्ञान, जो मतलब आत्मा सिद्ध शिला में जाने, आपने ज्ञान दर्शन बताया, हाँ वो सॉरी, वो जो भी मतलब सिद्ध शिला में जाने के बाद जो गुण है आत्मा का, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, वो जो उघाड़ हो गया, तो उसमें भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है ना स्वामी जी? क्योंकि आप देखो कि मैंने साफ बोल दिया है और आपने भी बहुत बार सुना है कि विनाशी अवस्थाओं को देखना और जानना वो मूल आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो शायद आपने बहुत बार जान चुके हैं। और विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना और वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है, वो भी आपने बहुत बार सुना है। और अभी सिद्ध क्षेत्र में प्रतिष्ठित आत्मा और बॉडी नहीं है, वो भी आपको मालूम है, और फिर भी कहते हैं कि आप वो अवस्था देखते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? पर शक्ति तो है ना स्वामी जी। शक्ति होने का मतलब क्या है? देखो देखो, रुपया रुपया होता है, 2000 रुपये की नोट वो रागद्वेष नहीं करता है, उसका मालिक रागद्वेष करता है, तो कीमत मालिक की, रागद्वेष शब्द यूज करना है तो मालिक चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो सिद्ध क्षेत्र में तो बॉडी नहीं है तो कौन मालिक है? तो हमको जानते हैं ना, देखते हैं ना स्वामी, क्या सिद्ध भगवान हमको जानते हैं देखते हैं, 3 लोग को जानते हैं देखते हैं, मतलब जानते हैं ना ज्ञान में? सिद्ध क्षेत्र वाले नहीं देखते, केवल ज्ञानी देखते, जहां तक बॉडी है वो देखते हैं। सिद्ध क्षेत्र वाले नहीं देखते, क्यों देखेंगे? तुम खाना खाते हो, पीना पीते हो, मर जाते हो, वो देखेंगे? ये उसका पुरुषार्थ है क्या? तो आप क्या कहना चाहते हैं, वो देखे का मतलब क्या हुआ? मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, मैं आनंद के लिए जाता हूँ, ऐसे नहीं देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ तो आनंद के लिए देखता हूँ, तो कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना देखना। हाँ। आपने जब देखने का बात बताया तो कुछ पर्पस तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, अभी तक तो उनका क्या पर्पस होगा? आज तो मेरे को पहली बार मालूम पड़ा है ये कि सिद्ध क्षेत्र में 6 तत्व नहीं है, मेरे को तो ये पहली बार, हमने तो पृथ्वी काय ने, वनस्पति काय ने, सब समझा सुना है वहां पर।
हाँ कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर ये जो मैंने बात बताई वो तत्व से, सिद्धांत से और कुदरती कानून से समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये सब बातें मैंने कई बार कही है, ये पहली बार कहा ऐसा नहीं है। मैंने तो प्रश्न पहली बार उठा मेरे को स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, बहुत बहुत वंदना आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद, जय कमलेश वर्मान। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जो भौतिक साइंसिस्ट होते हैं तो ये पांच तत्वों को अच्छी तरह से जानते हैं जैसे, तो उनको केवल दर्शन, तो केवल दर्शन को जानने में उनको हेल्प नहीं मिलती होगी, केवल दर्शन खुला होने में? उनको केवल दर्शन में अगर हेल्प मिलेगी तब मिले, जब वो आत्मा को माने तब। अच्छा, जब आत्मा को माने तो जब केवल दर्शन, केवल दर्शन तब होता है जब आत्मा को माने, कर्म के सिद्धांत को माने, पुनर्जन्म को माने, फिर इसको केवल दर्शन बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है कर्म। अच्छा अच्छा, नहीं तो केवल दर्शन होने की संभावना ही नहीं है। उनकी बुद्धि है, मैच्योर बुद्धि है भौतिक चीजों में। हाँ, ये जगत का सनातन सत्य जानने की उनकी बुद्धि है, उसमें हम मना नहीं करते, मगर इसको केवल दर्शन नहीं बोला जाता है। अच्छा, आत्मा केवल दर्शन, केवल दर्शन का मतलब होता है आत्मा के प्रकाश में ये दुनिया के सनातन सत्य का अनुभव करना, वो केवल दर्शन है। मगर वो तो आत्मा को ही स्वीकार नहीं करते हैं, यही तो कंफ्यूजन है। तभी तो आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि मैंने पांच तत्वों की खोज किया और दुनिया के सामने मैंने रखा, मगर मेरे जीवन के अंत समय में मेरे को यह समझ में नहीं आया कि ये पांच तत्वों को खुला करने वाला तत्व मेरे अंदर कौन सा है, वो मैं आज तक जान नहीं सका हूं। हाँ हाँ, ये बोला था, समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। तो ये पांच तत्व दुनिया में है, ठीक है? हाँ, हाँ। मगर पांच तत्व एक दूसरे को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाँ। ज्ञान दर्शन गुण नहीं है। अच्छा, और आत्मा के अंदर ही ज्ञान दर्शन गुण है। हाँ वो, हाँ ठीक, और इसीलिए वो पांच तत्वों को भी जान सकते हैं, आत्मा को भी जान सकते हैं, मगर मैं आत्मा को ही नहीं मानूंगा तो उसको केवल दर्शन कैसे कहूंगा? लेकिन पांचों तत्व जो हैं वो जो बाकी के, तो काल तत्व है, स्पेस है, तो गति सहायक स्थिति से, ये जो बाकी के जो पांच तत्व हैं तो इनकी भी तो इम्पोर्टेंस है ना, ये भी पूर्ण है, अपने आप में स्वतंत्र है, सबकी इम्पोर्टेंस तो है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, मगर इसकी, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा किसने कहा? हमारा सब्जेक्ट अभी केवल दर्शन के सब्जेक्ट पर है, क्वेश्चन के ऊपर है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने नहीं बताया। हाँ नहीं, वो ठीक है, आपने उसको केवल दर्शन बताया इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ हाँ, केवल दर्शन सब्जेक्ट की बात है, इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने बात ही नहीं कहा। तो उनको हेल्प मिलती है साइंटिस्ट को, अगर इनको जान नहीं, हेल्प मिलेगी अगर उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि पांचों तत्वों को भी तो जानना है। ऑफ कोर्स, अगर साइंटिस्ट है तो आगे जाके अगर ये आत्मा तत्वों को स्वीकार करते हैं तो जरूर इनको उनका डेवलपमेंट जो है पांच तत्वों को समझने का, वो बाकी को समझने में उनको बहुत सारी सहाय मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी। अच्छा अच्छा, हां जी हां जी। क्योंकि कुदरत के कानून में कर्म की सिद्धांत और कुदरत की सिद्धांत, ये साथ दोनों ही जानना है। कुदरत के कानून में दोनों का ही क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो कर्म के सिद्धांतों की भी अभी इतना नहीं पता है, और जड़ तत्व का द्रव्य स्वरूप भी दिखाई नहीं पड़ता है कुछ भी, वो तो खाली उसको पर्याय से जान सकते हैं, जड़ तत्व को, बाकी के सब तत्वों को पर्याय से ही जान सकते हैं।
वो तो द्रव्य उसका क्लियर ही नहीं होता, वो तो केवल जो ज्ञानी होते हैं वही जान सकते हैं उसको। तो हमारे लिए मतलब इसको डिटेल, तो हमको डिटेल से इनको जानना पड़ेगा कर्म के सिद्धांतों की, जैसे ये आकाश नीला क्यों है, पेड़ पौधे जो है ये हरे क्यों है, तो इन सब चीजों को भी जानना आता है इसके अंदर, ये सब चीजें आती है इसमें। नहीं 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 नहीं, ऐसे सिद्धांतों को थोड़ी जानना है, सिद्धांतों को, सिद्धांतों को लॉ ऑफ नेचर के रूप में जानना है। हम कोई भी अवस्था में राग द्वेष करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ नेचर को नहीं जानते हैं। हम कोई भी चीज में मालिक की भाव करता है क्योंकि लॉ ऑफ नेचर को नहीं जानते हैं। हम शरीर को अपना स्वरूप जानते हैं क्योंकि लॉ ऑफ नेचर नहीं जानते हैं। हम कर्मों की भुगतान को जानते हैं क्योंकि लॉ ऑफ नेचर को नहीं जानते हैं। तो लॉ ऑफ नेचर को जानोगे तो सब मालूम हो जाएगा, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, नहीं जानना वही तो अज्ञानता है, वही इसी से तो राग द्वेष होता है, इसी से कर्म बनता है, इसी से जन्म मरण होता है। हाँ बस ये एंगल खुला होना चाहिए पूरा, इसमें पूरा कंप्लीट आ जाता है, बस ये क्लियर होना चाहिए। और बाकी सब चीजें तो अपने आप जब केवल ज्ञान होगा तो सब कुछ खुला हो जाएगा, मगर पहले ये विज्ञान समझना है सिर्फ अज्ञान को मिटाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए। और जब केवल ज्ञान हो गया तब तो सब खुला हो जाएगा। अच्छा ये सब खुला हो जाता है उसमें अपने आप ही, खुला हो जाता है सारा ब्रह्मांड जो है पूरा। केवल ज्ञान में तो सब खुला हो जाता है, ज्ञान में सब। अच्छा तो स्वामी जी एक ही प्रश्न है, जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं है, एक मैंने कहीं सुना था जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं है आप उसकी कितनी भी बुराई करें उसको चोट नहीं पहुंचा सकते, चोट आपकी बुराई से नहीं पहुंचती, भीतर के घाव से पहुंचती है। हाँ इसको साइंटिफिक वे से समझना चाह रही हूँ, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं उसके, क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में। बात सही है ने, बुराई से चोट नहीं लगती है, बुराई को रिसीव करने वाले की मान्यता से चोट लगती है। अच्छा मान्यता, बुराई को रिसीव, बुराई को रिसीव, एक व्यक्ति ने मेरे को गाली दिया मगर गाली रिसीव किसने किया? हाँ गाली रिसीव किसने किया? ये लाइव ईगो? नहीं नहीं, जो मैं अपने, हाँ मैं लाइव ईगो की अभी बात नहीं करता हूँ। मैंने आपको सिंपल आंसर किया कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दिया तो दूसरा जो व्यक्ति है जिसको गाली सुनना पड़ा तो रिसीव किया कि नहीं किया, तभी इफेक्ट हुई ना। हाँ तभी तभी इफेक्ट हुई। हाँ और अगर रिसीव नहीं किया होता तो? हाँ तो नहीं होती, इफेक्ट नहीं होती फिर, नहीं किया बात वही हो गई ना। हाँ आपका जो प्रश्न था वो दूसरी बार पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा मैंने उत्तर दिया उसका। जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं है मींस उसने रिसीव, तो जब भाव नहीं है तो रिसीव कैसे कर, भाव नहीं है तो रिसीव कैसे करेगा घाव? हाँ अच्छा 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 बुरा किसी का भाव हो गया तभी तो रिसीव होगा ना, फिर रिएक्शन आएगा ना। हाँ पहले मैं गाली को रिसीव करूंगा बाद में रिएक्शन आएगा ना। हाँ उसके बाद आएगा रिएक्शन तो, मगर मैं रिसीव नहीं करूंगा तो। लेकिन सपोज करो बचपन में मेरे को किसी बहुत ज्यादा किसी चीज के को लेके बहुत डांट पड़ती है, बहुत बुरा व्यवहार होता है, उस टाइम तो ज्ञान नहीं होता है बचपन में तो। लेकिन जब भी मैं तीसरे व्यक्ति के साथ ऐसा देखती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है तो मेरे को उस पर बहुत क्रोध आएगा कि ऐसे क्यों करता है, तो ये मतलब मैंने उसको रिसीव कर रखा है अंदर में, घाव लगे हुए उस चीज के, रिसीव किया हुआ है, तभी तो लगता है ना। तो सामने वाले पे क्रोध इसीलिए आएगा क्योंकि मेरे अंदर वो घाव पड़े हुए, क्योंकि मैंने उसको रिसीव किया हुआ है। आपके अंदर वो घाव पड़ा है नहीं, आपके अंदर वो अज्ञान पड़ा है। हाँ अज्ञान तो है ही, मूल जड़ तो अज्ञान ही है, वही अज्ञान को निकालना है, उसका नाम तो अध्यात्म विज्ञान है। हाँ आखिर मैंने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया, यही तो निकालना है। हाँ हाँ
और सभी व्यक्तियों को कुदरती रचना के रूप में दिखना है, वही तो विज्ञान है। हाँ। और विज्ञान ही सभी प्रकार के प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। हाँ हाँ, समझ आया बात। तो इस जन्म का, इसी जन्म में भी हो सकता है इसका इफेक्ट, ये पिछले जन्म का आता है ये पड़ा हुआ छाप जो होती है, ये पड़ी हुई पिछले जन्म से आती है, इस जन्म का भी इस जन्म में आता है क्या? कौन किसकी छाप कहते हैं? एग्जाम्पल दो तो मालूम है, छाप शब्द से मालूम नहीं होता है। घाव, घाव जो होते हैं ना, यहाँ पे घाव की बात हो रही है, जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं, घाव वुंड, घाव की बात हो रही है यहाँ पर, कि जिसके भीतर कोई घाव नहीं है, आप उसकी कितनी भी बुराई करें। नहीं, तो कहने का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि भाव दो प्रकार के हैं, एक चार्ज भाव एक डिस्चार्ज भाव। तो डिस्चार्ज भाव में तो इफेक्ट रहेगी, अच्छा, मगर चार्ज भाव में इफेक्ट नहीं होना, इसको कहते हैं ज्ञान। राम ने रावण के साथ युद्ध किया, वो डिस्चार्ज था, मगर राम अंदर के राम बाहर के राम से मुक्त था, वो विज्ञान था, तो उसके अंदर लाइव भाव नहीं थे। हाँ। परिणाम वाला भाव तो था ही। हाँ। और परिणाम वाला भाव तो बंधन करता है नहीं, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है। हाँ, वो तो कुदरती रचना है। और लाइव भाव उसको था नहीं, क्योंकि वो बाहर के राम से वो मुक्त थे। हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो मेन जो है अज्ञान है, जो पड़ा हुआ कि मैं हूँ, मैंने भोग, मेरे को हुआ, मेरे को बोला, इसने किया, उसने किया, मैं देह हूँ, अपने आप को देह मानते हैं, कर्ता मानते हैं, सामने वाले को कर्ता मानते हैं, ये मेन अज्ञान जो ये पड़ा हुआ कई जन्मों का, ये मुझे लगता है एक तरीका खाली कुदरती रचना, कुदरती कानून के थ्रू ही जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसका। कुदरती कानून, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई, वही तो मैंने कहा ना, ये पूरा केवल दर्शन इसी से ही खुला होगा, इसी से ही खुला होगा। हाँ हाँ, बाकी सब जो विकल्प है वो हमारे मन की अंदर एक चंचलता होती है, और चंचलता होने के कारण वो रिलेटिव सत्य को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए वो रिलेटिव सत्य को अगर हमने कुदरती रचना के रूप में देख लिया तो फिर पजल है ही नहीं। हाँ हाँ, मगर रिलेटिव सत्य को हमने रिलेटिव सत्य के रूप में देखा तो फिर पजल है। माँ बच्चे को मारती है, क्यों मारती है? वो आपने रिलेटिव सत्य देख लिया ना, वो आप नहीं समझते कि ये कुदरती रचना है। हाँ, तभी आपको पजल हुआ। हाँ, देखते हुए भी पजल हुआ। हाँ, घर में बहू बच्चे को मारती है और आपने देख लिया तो आपको पजल हुआ, क्योंकि आपकी दृष्टि में अज्ञान है। Right. उनका तो कुदरती रचना है, मगर आपने वो कुदरती रचना के रूप में देखा नहीं ने, वो आपका अज्ञान। हाँ, फिर पजल शुरू हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात वही हुई कि हमने कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में नहीं देखा, वही हमारा अज्ञान था। राइट। और उसका सॉल्यूशन यही है, कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखो, वो सॉल्यूशन है। हाँ, इसमें और कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है, करेक्ट था, बस मेन इसी पर फोकस होना चाहिए, कुदरती रचना देखना है बस, वो कुदरती कानून, कुदरत, ये सब जानना बहुत जरूरी है, इसी को समझना है बस, उसी के थ्रू हो सकता है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। टाइम ओवर थी गयो छे ने, बे प्रश्न छे। पदम कुमार अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका म्यूट है, अनम्यूट करो।
आपका म्यूट है, अनम्यूट करो। हाँ मयूरी बेन डी भगत अनम्यूट कर जो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ज्ञान का मिसयूज कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल देके। ज्ञान का मिसयूज का मतलब होता है जो कुदरती रचना के रूप में जो मन वचन काया की अवस्था चल रही है, हमारी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की, बराबर है। इनको कुदरती रचना के रूप में नहीं देखना, वो ज्ञान का दुरुपयोग हो गया। और इसका फिर हमको सफरिंग भी आएगा एज पर द लॉ ऑफ नेचर। कुदरत कहती है कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखना, ये आपका पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि कुदरती रचना है। अगर आप वो नहीं देख सकते हैं तो वो आपका अज्ञान है, और अज्ञान के माध्यम से जो कुछ भी देखोगे, इनका जो भी रिएक्शन आएगा, उनका आपको फल कुदरत देगी। और अगर आपने कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखा तो नेचर विल नॉट पनिश यू। फिर प्रकृति क्या करती है, वो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं। हमने अपनी दृष्टि को क्रिया में इतना इंपॉर्टेंट दे दिया है, और इसीलिए हमको समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति मर जाए, एक लाख व्यक्ति मर जाए, एक रुपया का नुकसान होवे, एक करोड़ रुपया का नुकसान होवे, मगर दोनों को कुदरती रचना के रूप में नहीं देख सकते है, वो हमारी अज्ञानता है या तो हमारी लिमिटेशन है। कानून तो सबके लिए एक ही है, यस के नो? Yes. हमारी लिमिटेशन के कारण बहुत हद तक हमको कुदरती रचना के रूप में देख सकते हैं, उससे जब बियॉन्ड जाता है तो हम नहीं देख सकते, उसका मतलब ये हमारे विजन की लिमिटेशन है। हालांकि कुदरती कानून तो अनलिमिटेड है, मगर हमारा डेवलपमेंट अभी लिमिटेड है, तो आगे हमको और बढ़ने की जरूरत है। तो कुदरती रचना नहीं देखना वही मिसयूज, उसे ही कह सकते हैं। तो और क्या है? कुदरत कहती है, कुदरत कहती है कि आपके मन वचन काया के अंदर जो कुछ भी होता है उसके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके 5 इंद्रियों के माध्यम से जो पूरी दुनिया देखती है, इसका अनुभव करती है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। मगर हर अवस्था को आपका मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया अगर आपने कुदरती रचना के रूप में नहीं देखी है, उसी भाग में आप जिम्मेदार है ही। चाहे राग के फॉर्म में, चाहे द्वेष के फॉर्म में। फिर क्रिया क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अज्ञानता वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर सभी अवस्थाओं को आपने मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आता पूरा विश्व को, अगर आपने हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखा है, तो आप रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, न आप है न और कोई है। वो नहीं देख सकते, वो आपकी कमजोरी है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। तो पूरी सृष्टि ही कुदरती रचना है, तो कौन सा भाग ऐसा है जो कुदरती रचना के रूप में नहीं है, वो बताइए कौन सा। जब पूरी सृष्टि ही कुदरती रचना है, तो हमारी दृष्टि से कौन सा भाग ऐसा है जो हमको कुदरती रचना के रूप में नहीं दिखता है? सब कुछ कुदरती रचना ही है, मगर हमको नहीं दिखता है, वो हमारी लिमिटेशन है। That's it. उसी को मिटाना है। Now you understand? Yeah, understand. I can understand. Yeah. समझ में आया। है कुदरती रचना, हम नहीं देख सकते, वो हमारी मर्यादा हो गई। तो उसी मर्यादा से हमको आगे जाना है, तोड़ के हमको बियॉन्ड जाना है, और इनफाइनाइट हमारा विजन होना चाहिए इन एनी सर्कमस्टेंसेस
in whole world, in whole universe, whatever the happened, but it is a only scientific circumstantial evidence. And nobody is responsible. Okay. Magar hum usko nahi dekh sakte. That is my individual limitations. Aur usi limitation ke liye I am responsible to the nature. And nature will give you the result to you. Samajh mein aaya? Haan, samajh mein aaya. Okay, okay. Jai Sachidanand, thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Abhe koi sewa ki? ना कोई नहीं स्वामी जी किशोर भाई हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है हे शुद्ध आत्मा भगवान मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ अज्ञानता के वश अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ हे प्रभु मुझे क्षमा करे और बार बार ऐसी गलतियां ना करूं ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे जय सच्चिदानंद